हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लखनऊ की फूल फुलैया बड़ा इमामबाड़ा में। मेरा नाम है सैयद शाहबाज हसन दैदी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं समीर हैदर के नाम से। आप फूल फुलैया लेके जाएंगे, पहले आपको इमामबाड़े का पूरा इतिहास बताएंगे पहली वीडियो में। जरा बाइक है हमारी, आप जो देख सकते हैं TVS स्पोर्ट, इसी पर बैठ कर हम बड़े इमामबाड़े जाएंगे और आपको वहाँ का सारा इतिहास बताएंगे। देखिए ये सेकेंड गेट है बड़े इमामबाड़े का। देखिए सबसे पहला काम आप लोग ये करिएगा कि हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दिएगा। देखिए सामने टिकट बुकिंग, जहाँ पर से आप लोग टिकट लेके आराम से अंदर जा सकते हैं। ये बैक साइड से हम बड़ा इमामबाड़ा आपको दिखा रहे हैं। ये बैक साइड गेट है, नवाब आसफुद्दौला बहादुर ने बनवाया इमामबाड़ा 1773 में। अब आप लोग अपना जूता यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, आराम से जूता जमा करा दिए फिर आप अंदर जाइए। आसिफी मस्जिद देख रहे हैं आप लोग, ये इमामबाड़े का पोर्शन है। हम लोग यहीं से बड़े इमामबाड़े के अंदर दाखिल होंगे। आप ये देख रहे हैं बड़े इमामबाड़े के अंदर हम लोग दाखिल हो गए हैं। सामने झाड़ झूमर और राइट साइड पर आपको टिकट की बुकिंग दिखाई देगी। जो हज़रात टिकट नहीं लाए होते हैं वो यहाँ से टिकट ले लेंगे। असल में अंदर तलक के आने का कोई टिकट नहीं है, ये एक इमाम बाड़ा है। इमाम मिस होता है अवतार, बाड़ा मिस होता है घर। इमाम हुसैन की याद में इमाम बाड़ा बनाया गया था, ठीक है। 1773 में बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी, 1784 में कम्प्लीट हो गई थी। 11 साल में बिल्डिंग बनी थी। ये देखिए आप जो देख रहे हैं यहाँ का गाइड रेट है, 1 से 2 आदमी के 100 रुपीज़, 3 से 5 125, 6 से 10 लोगों के 175 रुपये हैं, ठीक है। और इसी तरीके जैसे जैसे लोग बढ़ते रहेंगे वैसे ही टिकट वो गाइड का रेट आगे बढ़ता रहेगा। झाड़ झूमर बिल्डिंग को और ख़ूबसूरत बनाते हैं इमामबाड़े को। हम चल रहे हैं मिंबर की ओर, जहाँ पर मौलवी मौलाना बैठकर मुहर्रम की तकरीर देते थे। देख रहे हैं अब ये मिंबर, इस मिंबर पर मौलवी मौलाना बैठकर तकरीर देते थे जिसको आम जनता नीचे बैठकर सुनती थी। देखा आपने, ये लाल चादर पड़ जाती जब खुशी की तारीख होती है धार्मिक तरीक़े से, और ब्लैक और ग्रीन चढ़ती है जब गम की तारीख होती है। ये नवाब आसफुद्दौला बहादुर का फ़ोटो है, 1775 से 1797 तक के इनका शासन काल है ये। इन्हें देखिए बहुत ही सुनहरे अल्फाजों में लिखा था, मस्जिद अगर से सबसे बड़ा एहतराम है, लेकिन इमाम बाड़ा भी आली मकाम है। वो आस्थान हक ये मकाम है, इमाम है सजदा अगर इधर को उधर को सलाम है। ये इनका नाम था नवाब आसफुद्दौला बहादुर, ये एक शायर थे। इनका नाम था आसिफ दौला बहादुर उर्फ आसिफ लखनवी। देखा आप लोग, अब हम लोग चल रहे हैं चाइनीज़ हॉल की तरफ। ये एशिया का सबसे बड़े हॉल है तीनों। फर्स्ट हॉल है चाइनीज़, सेकेंड हॉल है पर्शियन और थर्ड हॉल है इंडियन। इसका डिज़ाइन है चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा, उल्टा करके देखें चीनी के प्याले को तो इसी तरीके का डिज़ाइन दिखाई देता है। बिल्डिंग में जगह जगह हवा लाइट के लिए वेंटिलेशन का इंतज़ाम करा गया है। हम आपको दिखा रहे हैं वेंटिलेशन किस तरीके से बिल्डिंग में हवा लाइट आती है। देख रहे हैं आप सामने लाइट देख रहे हैं, यही वेंटिलेशन सिस्टम है। बिल्डिंग में गैस नहीं बनती है, हवा आती रहती है और जाती रहती है रोशनी। देखिए हम लोग चल रहे हैं इमामबाड़े के सेकेंड हॉल, जिसका नाम है पर्शियन हॉल। एक्चुअली हम लोग आए हैं सुबह सुबह, इसलिए यहाँ पर वर्क चल रहा है। 163 फीट लंबा ये हॉल है, 54 फीट चौड़ा, 60 फीट ऊँचा। ये बालकनी देख रहे हैं, इसमें हम आपको माचिस की आवाज़, पेपर की आवाज़ सुना सकते हैं। आपको 163 फीट दूर से सारी आवाज़ इसी हॉल में सुनाई देगी। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, विदाउट लेंटर विदाउट गार्टर। अब हम लोग आपको ले कर चल रहे हैं इमाम बाड़े के पास। ये शीशा जो आप लोग देख रहे हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्शन करने के लिए था, जो बाहर की लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करके शीशा ज़्यादा कर देता है। देख रहे हैं ये सामने आपको दिखाई दे रहा है कैंडल स्टैंड, 200 साल पहले इसी पर मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई जाती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में इमाम बाड़ा बनाया गया 1773 में, जो 1784 में बनकर कंप्लीट हो गया।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो आप देख रहे हैं ये रोज़ा बना हुआ है, जो मोरल है करबला जो नहीं जा पाता है वो अपनी मन्नत दुआ मुराद नहीं मांगता है। और ये जो आसपास निशान दिखाई दे रहे हैं ये धार्मिक निशान है, देख रहे हैं ये नवाब आसफ़ुद्दौला बहादुर के दौर का रोज़ा है, जो पहला रोज़ा यहाँ चढ़ा हुआ था वही है। और सामने फ्रेम ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वो फ्रेम जो है नवाब साहब के दौर का है, ओल्ड एंटिक। एक कब्र है नवाब आसफ़ुद्दौला और दूसरी समाधि है शमसुन्निसा की। चारों तरफ कटेरा इसलिए लगाया गया ताकि इसमें चांदी लगी है, अगर कोई इसको छुएगा तो हाथ हाथ में लग के गिर जाएगी, इसलिए ये छत है। मुहर्रम में जो ताज़िया निकलता है उसके पास हम लोग जा रहे हैं। इमामबाड़े का मेन मतलब ताज़िया ही निकलना था, इसीलिए नवाब आसफ़ुद्दौला बहादुर ने इमामबाड़ा बनवाया था। अब हम लोग चलते हैं थर्ड हॉल, जिसे बोलते हैं इंडियन हॉल। अब जैसे कि हम लोग इंडियन हैं तो इंडियन हॉल का नाम सुनते ही बहुत खुशी आ जाती है कि नवाब साहब ने अगर इंडिया में रहते तो उन्होंने एक हॉल का नाम भी इंडिया रखा, इंडियन हॉल। देखिए सामने इसे बोलते हैं इंडियन हॉल, खरबूजे वाला हॉल इंडियन हॉल। इसका डिज़ाइन है खरबूजे के प्रकार में, देखिए चारों तरफ खरबूजे जैसा दिख रहा है ऊपर भी, मगर हवा लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, बिल्डिंग में हवा लाइट आती रहती है, वेंटिलेशन देख रहे हैं। ये सामने जो देख रहे हैं वो खरबूजे की पाक साइडों में चारों तरफ बनी हुई है। अब हम आपको लेकर चलें नवाब आसफ़ुद्दौला बहादुर का ताज के पास, देख रहे हैं ये ताज नवाब आसफ़ुद्दौला बहादुर का, इसमें डायमंड लगे थे, इसको दुश्मन लोग लूट ले गया। अब यहाँ पर उसकी कॉपी रखी है। ये इमामबाड़ा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि भूल भुलैया की वीडियो अभी बाकी है, इंशाल्लाह अच्छी होगी।